हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो क्लीनअप के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगी क्लीनअप कैसे किया जाता है और क्लीनअप के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए। तो क्लीनअप जो होता है हमारा, वो जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि छोटे समय में ही अच्छा सा लुक आ जाता है फेस के ऊपर। फेस क्लीन करने का एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है ये, जिससे क्या होता है कि हमारे स्किन पे जितना भी डर्ट वगैरह है, ब्लैकहेड्स वाइटहेड्स हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स होती तो बहुत ज़्यादा लंबी देर तक मसाज नहीं ले सकती, तो उनके लिए क्लीनअप बहुत बेटर ऑप्शन है। तो आज का जो हमारा क्लीनअप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो नेचर्स ब्रांड का है, रोज़ रेडियंट क्लीनअप। तो ये जो किट है इसमें हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट हैं। एक इन्होंने रखा हुआ है इसमें रोज़ रेडियंस क्लिनजिंग बटर, और सेकंड है इसमें रोज़ रेडियंस स्क्रब, और थर्ड है रोज़ रेडियंस पैक। तो इन तीनों को कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी आज। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो मुझे लगा कि इसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपके संग शेयर कर दूँ। ये नेचर्स ब्रांड का है, तो जब भी आपको क्लीनअप किट अगर कोई नई लेनी हो, परचेज करनी हो, तो आप इस ब्रांड को भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लीनअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फेस को वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद टॉवल से फेस को पोंछेंगे डैब डैब करके। सबसे पहले हम लोग क्लींजर लेंगे और लाइट हैंड से फेस पर मसाज करेंगे। हाथों को गीला रखेंगे। क्लींजिंग करने से जितनी भी डस्ट और डर्ट होती है हमारे फेस के ऊपर वो क्लीन हो जाती है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको करने के लिए हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाती है। जब भी क्लींजर ड्राई होने लगे उस समय हम लोग अपने हाथों को गीला कर लेंगे ताकि हमारा हाथ स्मूथ तरीके से चल सके फेस के ऊपर। क्लींजिंग को फेस पे 4 to 5 मिनट तक करेंगे, जिसमें हम लोग फिंगर का यूज़ ज़्यादा करेंगे और लाइट हैंड से मसाज करेंगे और पानी का यूज़ लगातार करते रहेंगे ताकि प्रोडक्ट पेनिट्रेट ना हो स्किन के अंदर। फेशियल स्टेप के ऊपर हम लोग पहले वीडियो डाल चुके हुए हैं, तो अगर आपको फेशियल स्टेप्स देखने हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लींजिंग का टाइम कंप्लीट होने के बाद हम लोग फेस को वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर देंगे। और एक टॉवल से फेस को क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप स्क्रब लेंगे इसका। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही माइल्ड हैं, अच्छा स्क्रब है, तो इसको लेकिन हम करेंगे लाइट हैंड से ही। हर किट का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन हमें कस्टमर का देखना है कि स्किन कैसा है। अगर उसकी स्किन ऑयली है क्लाइंट की, तो हम लोग स्क्रब ना करके जेल मसाज कर देंगे उनकी, और अगर स्किन ड्राई होगी क्लाइंट की तो आप उस समय क्रीम का यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टेप में, और अगर ब्लैकहेड्स वाइटहेड्स बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम है तब हम लोग स्क्रब का यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्किन के अकॉर्डिंग ही क्लीनअप करेंगे। अगर एंटी एजिंग स्किन आती है तब आप डीप हैंड मसाज दे सकते हैं क्रीम के साथ।
स्क्रब करते समय भी हम लोग फिंगर का यूज़ ज़्यादा करेंगे। हमें जो पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग रहेगा, सेकंड स्टेप के समय हम लोग चेंजेस लाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। ड्राई स्किन है तो क्रीम मसाज, एक्ने पिंपल लाइट और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स ज़्यादा हैं तो हम लोग स्क्रब करेंगे, और अगर ऑयली स्किन ज़्यादा है तब हम लोग जेल मसाज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा चेंज हो जाता है अधिकतर, और जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा पैक एप्लीकेशन ही होता है, वो सब में एक जैसा ही रहता है। कई बार हम लोग घर पे स्क्रबिंग कर लेते हैं और स्क्रब को हम बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से या फिंगर से प्रेशर देते हुए करते हैं तो हमारी स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग स्क्रब करेंगे, एक तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो हमेशा वेट रहनी चाहिए, और जो हमारा हैंड वर्क है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए ताकि रैशेस हमारी स्किन पर ना आए। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको यूँ भी पता लग जाएगा कि हम लोगों को कौन से स्टेप्स करने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। वैसे ही हमारा प्रोसेस हाफ एन आवर का होता है, तो अगर हम क्रीम मसाज करें तो हम 10 से 15 मिनट क्रीम मसाज दे देते हैं ताकि अच्छी सी हाइड्रेशन मिल जाए स्किन को। तो अगर आप जब भी ये क्लीनअप कराएं तो आधे घंटे का ये प्रोसेस रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। पैक एप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के बाद आधे घंटे का होता है ये। स्क्रब का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग वेट टिश्यू से फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे, और जितने भी पार्टिकल्स हैं स्क्रब के वो अच्छे से रिमूव करेंगे हम लोग टॉवल से, वो फेस पर नहीं होने चाहिए। अब हम लोग नोज़ के ऊपर से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे। जब हम लोग क्लीनअप में क्रीम मसाज या जेल मसाज देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लींजिंग के बाद ही वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करके टोनिंग कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्रीम मसाज करेंगे या जेल मसाज करेंगे। बट अभी हमने स्क्रब का यूज़ करना था इस वाले प्रोसेस में, तो स्क्रब की मसाज के बाद हम लोग वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे।
इसके बाद मैं नेचर्स का टोनर लेके फेस पे अच्छे से टोनिंग करूँगी और टोनिंग करके इसको डैप डैप कर देंगे। अब लास्ट हमारा प्रोसेस है पैक एप्लीकेशन। तो इसको हम एक बाउल में निकाल के ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे और इसको 10 मिनट तक फेस पर हम लोग लगे रहने देंगे। पैक एप्लीकेशन पूरी करने के बाद हम लोग क्लाइंट के आईपैड लगा देंगे ताकि 10-15 मिनट क्लाइंट रिलैक्स कर ले और इसके बाद हम लोग पैक को क्लीन कर देंगे 10 मिनट के बाद। और इस तरह से हमारा क्लीनअप का ये पूरा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।